जब बेटा और बेटी का मूड ऑफ हो, मन कहीं लग ना रहा हो, तो प्रथम गुरु होती है मां। चार गुरु होते हैं, पहला गुरु मां, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु शिक्षक, चौथा गुरु सदगुरु। सदगुरु तो आखिरी में काम आता है, पर सबसे पहले नंबर का गुरु होती है मां। जब बेटा नर्वस हो, भीतर से टूट गया हो, जब उसे लग रहा हो कि अब कहीं मेरी लाइन हो ही नहीं सकती, अब मैं कुछ कमा ही नहीं सकता, अब दुनिया में आकर मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तब एक गुरु तुम्हारे पास में परमात्मा ने दिया होता है, और वो मां रूपी गुरु होता है, जो बेटे से कह दे क्या घबराना, काहे की चिंता करना, घाटा हो भी गया तो कोई शरीर थोड़ी ना ले गया, देखा जाएगा। शंकर का नाम केवल शिव है, पर पार्वती का नाम शक्ति है, क्योंकि घर की एक मां अपने बच्चों को इतना वील पावर दे दे कि उसमें आप रूप शक्ति प्रकट हो जाए और वो दुनिया से लड़ सके, उतनी एनर्जी उतना पावर मां दे सकती है। कई कई बार माताएं अपनी बहू को ज्ञान देती हैं इस तरह का, बेटा हमने हमारा जीवन देखा है, इतनी दुखमय जीवन निकाला है, हमने कपड़े सिल सिल कर गुजारा करा है, एक एक ईंट जोड़कर मकान बनाया है, सास को क्या पड़ा जो बार बार बहू को इतना ज्ञान देती है, सास क्या पगली है, सास क्या पागल है, सास क्या मूर्ख है, घर के बुजुर्ग क्या मूर्ख हैं जो बार बार तुम्हें ज्ञान उपदेश देते हैं कि हमने एक एक रुपया जोड़ कर ऐसा करा, हमने एक एक ईंट जोड़ी, हमने कपड़े में फाल लगाई, हमने पीको करा, हमने ये करा, हमने वो करा, हम तो रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, इतना काम करते थे। सास बार बार बहू को ये क्यों कहती है, सास बार बार अपने बेटे को ये बात क्यों कहती है, एक माँ अपने बेटे को, अपनी बहू को ये बात बार बार इसलिए कहती है कि हमने जैसा निकाला वैसा तुम ना निकालो, इसलिए कुछ थोड़ा अपनी जिंदगी का आनंद करते हुए चलो, वो गया समय जो हमने निकाल दिया वो तुम्हें एनर्जी प्रदान कर रही है, वो तुम्हें पावर दे रही है, पर बहू को लगता है कि हमारी सास तो पुराना लेखा लेकर बैठ जाती है, जब देखो जब बस एक ही बात कहने बैठ जाती है। अब बहू कहती है अपनी माँ से, माँ हमारी सास तो एक ही लेखा कहती है, हमने ऐसा करा, हमने वैसा करा, हमारा जमाना ऐसा था, हमारा जमाना वैसा था। तो माँ को समझाना चाहिए बेटी को कि बेटी उस माँ ने पूरा जीवन देखा है और वो तुझे तरास रही है, जैसे एक पत्थर के टुकड़े को तरासा जाता है, एक पत्थर के टुकड़े को जब तरासते हैं तो चोट पर चोट दी जाती है, जब चोट पर चोट दी जाती है तब वो पत्थर मूर्ति बनता है, और मूर्ति बनती है तब मंदिर में पूजी जाती है, अगर उस पर चोट ना पड़ती तो वही मार्बल का टुकड़ा जमीन पर लगा होता जिसपे लोग पान थूकते, पांव रखता, जूता रखता, पर सास ने उसको तरास दिया, माँ ने उसको तरास दिया और मूर्ति बनाकर पूजा दिया। हमें माता से, अपनी माँ से ये नहीं कहना कि हमारी सास बार बार पुराना बात कह लेकर बैठ जाती है, बार बार पुरानी बातों को कहती है, बार बार ऐसा कहती है कि हमने ऐसा देखा, हमने वैसा देखा। अरे उसने सीखा तो तुम्हें बता रही है, बुढ़िया पागल नहीं है। पर बहुओं को लगता है अभी बताओ, हमको तो पुराना पुराना बताने बैठ जाती है, जब देखो जब बस हम ही मिले, भगवान ने जैसा मुंह लेके रात को पति से कहती तुम्हारी अम्मा तो पगली है, जब देखो जब हमें बस ये बताने बैठ जाती है कि तुमने ऐसा किया, हमारी अम्मा ने ऐसा किया, वो किया। समझो, शिव महापुराण अच्छे से सुन लो री बहुओं,